हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अगस्त के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ सारे करंट अफेयर्स को ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा गया है, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान, देखिए हाल में ही आप अगस्त में समझना इसे, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर के ऑनर से सम्मानित किया गया। तो देखिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, एक और राष्ट्र है जो कि है फ्रांस, जिसने जो है फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है सम्मान दिया है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से जो सम्मान देने वाला है वो है ग्रीस। टेक्निक याद करने का, ग्रैंड क्रॉस जो है ग्रीस, जी जी लेटर से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ग्रीस की ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड नहीं है, यानी कि जैसे भारत में भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है, ग्रीस में ये सेकेंड बेस्ट है, यानी कि दूसरे नंबर का ये पुरस्कार है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान क्यों दिया गया है, देखिए बोलने को तो ये है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मोदी जी के योगदान को देखते हुए ये सम्मान दिया गया है, किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है, देखिए दो कंट्री ना आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता करने के लिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक दूसरे से क्या करें, सामान खरीद बेच सकें, इसके लिए जो है एक दूसरे को सम्मानित भी किया जाता है। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे या फिर उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर वाइस वर्सा राजीव गांधी की बात करो, इंदिरा गांधी की, तो ये सब प्रक्रिया जियोपॉलिटिक्स के तहत होती है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस के साथ आपको आगे बढ़ना था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आप नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रेसिडेंट को देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, स्मार्ट इंडिया यानी कि इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को दिया गया है। तो देखिए अगर मैं स्टेट की बात करूं, यहां तो सिटी आपसे पूछ लिया गया है, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वो स्टेट जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। एमपी को सबसे जो एडवांस है नेशनल स्मार्ट जो है स्टेट चुना गया है। अगर सिटी की बात करूं तो सिटी में क्या आ जाएगा, इंदौर इसका सही जवाब होगा। दूसरे नंबर पे कौन है, तो सूरत जो है दूसरे नंबर पे यहां पे रहा है। तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आपको कौन देखने को मिलेगा, आगरा, जो कि कहां है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। और अगर मैं यूटी की बात करूं, यूटी में सबसे अच्छा जो है शहर किसे चुना गया है, चंडीगढ़ को, याद रखिएगा चंडीगढ़ बहुत ही छोटा शहर है, और यहां से जो है इंदौर की जो एक ड्रोन इमेज है वो आपके सामने आपको दिख रही होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 लैंड जो है किया था, कहां पे, मून पे, और इसीलिए जो है 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 के जो सफलतापूर्वक जो उसको जिस ऑर्डर के लिए जिस मिशन के लिए भेजा गया था वो हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि धीरे धीरे जो है हम लोग वहां पे उतरे हैं, यानी कि हड़बड़ाहट में गिर गए। पिछली बार हम लोगों का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हो गया था, तो हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे में हम लोगों ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और भारत जो है साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। और इससे पहले मून पे सॉफ्ट लैंडिंग 4 कंट्री ने कर रखी है, उसमें अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, उसके बाद इंडिया शामिल हो चुका है। यहां से आप जो है उसकी फोटो जो आप लोगों ने देख रखी होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, हाल में ही आईटी कंपनी इंफोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, इंफोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो देखिए ऐसे ही खिलाड़ी को चुना जाता है जिसको सभी देशों में जो है पहचान होती है, कि अपनी अलग पहचान होती है। तो इसमें विराट कोहली ऑब्वियसली, सारे नाम तो यहाँ पे हैं जिनको हर कंट्री में जाना जाता है। लेकिन आप देखो क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट जो है बहुत कम नेशन में खेला जाता है, चाहे विराट कोहली की बात हो, रोहित शर्मा की बात हो, तो वो नहीं आपको दिखेगा। लेकिन टेनिस जो है हर देश में खेला जाता है और हर देश के लोग जो है इसे जानते हैं। और इसका आंसर भी होगा राफेल नडाल, जो कि टेनिस प्लेयर है। और याद रखिए इनको 3 सालों के लिए जो है, अगले 3 सालों के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और 22 ग्रांड स्लैम जो है इन्होंने अपने नाम किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। यहाँ से आप राफेल नडाल की फोटो भी देख पाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। देखिए
क्वेश्चन को यहां से याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की बात करूं तो नीरज चोपड़ा ने यहां पे गोल्ड मेडल जीता है। ये पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 2022 में सेम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को यहां पे सिल्वर मिला था। क्या मिला था? सिल्वर। ठीक है, ये भी याद रख लेना है 2022 के लिए सिल्वर। लेकिन बोलते ना, हिम्मत नहीं हारनी है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया 2023 के लिए। और यहां से नीरज चोपड़ा की फोटो देख सकते हो, आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीर है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है, बगवाल मेले या फिर देवी उधुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए इसका जो संबंध है वो कहां से है, यहां से देख लो, ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए, एक्चुअली मैं आपको फोटो दिखाता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। देखिए यहां पे क्या होता है ना कि रक्षाबंधन के अवसर पे कब ये किया जाता है, रक्षाबंधन के अवसर पर ये किया जाता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए रक्षाबंधन के जो अवसर पे ना लोग एक दूसरे के पर जो है पत्थर फेंकते हैं, और यहां पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना इससे बचने की भी कोशिश करते हैं। अब बोलोगे ये कौन सा खेल हो गया, ये तो इसमें किसी का सर फट सकता है, लेकिन ठीक है ये जो है ट्रेडिशनल है और इसे लोग खेलते हैं। यहां से आप फोटो वगैरह भी देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारतीय महिला फीफा फुटबॉल 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? सॉरी भारतीय नहीं, मैंने मिस्टेक कर दिया, फीफा फुटबॉल जो है वो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसको किसने जीता था? तो देखिए ये हो जाएगा आंसर स्पेन। ये क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? स्पेन। स्पेन ने किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड जो है सेकंड नंबर पे रही थी, और ये प्रतियोगिता पे जो थर्ड नंबर पे रहा था वो रहा था ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे रहा था, और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसे क्या किया था, होस्ट भी किया था। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कौन सी कंट्री है, होस्टिंग कंट्री भी है। क्लियर हो गई बातें। यहां से आप स्पेन के जो खिलाड़ी हैं वगैरह उनकी जो चीयरफुल जो पिक्चर है वो आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर मिल चुका होगा। और वो आंसर क्या है भैया? वो आंसर है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत, इंडिया, हमारा आपका प्यारा भारत। इंडिया जो है सबसे पहले पहुंचने वाला है। और याद रखिएगा इसी दिन, किस दिन, 23 अगस्त को हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किए थे, और इसी दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट भी इसे करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इंडिया जो है मून पे उतरने वाला चौथा कंट्री, लेकिन साउथ पोल पे उतरने वाला पहला कंट्री है, और हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। कुछ क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो देखिए रोवर का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए रोवर का नाम क्या था आपको पता ही है, प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। मैं लिख देता हूं, लैंडर विक्रम था, और रोवर क्या था हम लोगों का, प्रज्ञान था। तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप जो है चंद्रयान की जो है फोटोज भी देख सकते हो। देखिए मून लैंडिंग की बात करूं तो सोवियत यूनियन यानी कि सबसे पहले रशिया पहुंचा था, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे चाइना, और चौथे नंबर पे हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारा प्यारा भारत। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? भारत, ब्राजील, चाइना या फिर साउथ अफ्रीका में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ने इसमें होस्ट किया था। व्लादिमीर पुतिन को यहां पे आना था, लेकिन वो यहां पे नहीं पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन यहां पे नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम यहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक्चुअली उन पे जो है उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया गया, तो ये तरह तरह की बातें थी, लेकिन ये पहुंचे नहीं। खैर ब्रिक्स की बात करूं तो सबसे पहले ये ब्रिक हुआ करता था, BRIC। ठीक है, इसमें कौन था यहाँ पे, बी से ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस यानी कि साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो चुका है। और भी कुछ कंट्रीज जो है 1 जनवरी 2024 को ऐड हुए हैं, मैंने वो करंट अफेयर्स जनवरी का भी करा रखा है, तो उसे जाकर आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहां से आप जो है पांचों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखोगे, लेकिन यहां पे देखो पुतिन के जगह पे जो रशिया के प्रेसिडेंट जो रक्षा मंत्री विदेश मंत्री हैं वो यहां पे आपको दिखेंगे। दूध गाड़ू यानी कि बटर फेस्टिवल का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो है ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा। लोग दूध दही लेकर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, एंड सेकेंडली इसके बाद वो जो है जंगल में जाकर क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, और फसल वगैरह जो है अच्छा हो, उनकी जो जानवर है पालतू जानवर है उनको समृद्धि मिले, वो निरोग रहे यानी कि उनको कोई बीमारी ना हो। तो ये एक गुडविल फेस्टिवल है, लोग इसे प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 46th विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? किसकी बात हो रही है, ये भी याद रखना है, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है। ठीक है, तो कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल
जो है 14 मेडल यहाँ पे अपने नाम किया था। अगर गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड यहाँ पे भारत ने 4 जीते हैं, अगर सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर भारत ने 3 जीते हैं, और अगर मैं ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक की बात करूँ तो भारत ने 7 जीते हैं। ये जो 14 मेडल्स हैं मैंने आपको उसकी टैली बता दी, पहली बात। दूसरी बात, अगला सवाल क्या पूछा गया है, ये तो हो गई आसान सी बात। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये हुआ कहाँ था, ये जो विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप कुश्ती चैंपियनशिप है वो हुआ था आपका जॉर्डन में, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो प्लीज मेक श्योर इसे भी आपको याद रखना है, और यहां से हमारे टीम को आप देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा ही नहीं आपकी भी ये टीम है। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज जो है ये किसने जीता है, किस व्यक्ति ने इसे जो है जीत लिया है। नाम है नित्रा लोगे, कौन सा नाम है, नित्रा लोगे। सीधा सीधा है ये, बिल्कुल यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे दिया गया है। जॉर्ज लेडली की बात करें तो देखिए ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, साइंस में जो है विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जो है इसे दिया जाता है, और राज चेटरी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखिए, नमो 108 ये जो स्पीसीज है, प्लांट की एक प्रजाति है, ये जो है आपको बताना है कि वो कौन से फूल का जो है प्रजाति है, कमल, गेंदा, गुलाब या सूर्यमुखी। तो देखिए ये जो है कमल का जो है एक क्या है, स्पीसीज है, प्रजाति है। यहाँ से आप फोटो देख पाओगे, ये देखिए ये फोटो में देखिए आपको ये जो कमल है ना, इसमें टोटल 108 पंखुड़ियां हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, 108। ये मार्च में उगता है जबकि ये दिसंबर में जो है ये उगना बंद हो जाता है, मार्च से दिसंबर तक इसकी डेट है, याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल देखो क्या है, फुटबॉल लीग कप 2023 का किताब किसके द्वारा जीता गया है। अगर मैं बात करूं फुटबॉल लीग की, तो फुटबॉल लीग जो है इंटर मियामी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। किसे हराया है, तो देखिए हराने इन्होंने जीता है लेकिन हराया किसे है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, याद रखिएगा। यहां से जो है ये क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट करके बताओगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है मेसी इसी टीम के खिलाड़ी है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप एक्चुअली फोटो ही देख लो, आपको याद रखने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश ने किया था। देखिए इस देश ने इस आयोजन को पहली बार किया था, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। वो कंट्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है ये क्वाड कंट्री, 4 अलग अलग कंट्री को मिलाकर क्वाड बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4। तो देखिए इस क्वाड कंट्री में कौन कौन है, सबसे पहले आपको देखिए याद रखना है इंडिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान है, याद रखिएगा इन नामों को। ये चारों देश मिलकर जो है चाइना के डोमिनेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि चाइना जो है यहाँ पे जो इंडियन ओशियन है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरीके से उसे रोकने के लिए ये किया जा रहा है। आगे देखिए, हाल में ही चर्चा में रहा हेलरी तूफान, एक्चुअली ये 84 वर्षों के बाद आया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, और कहाँ पे आया था, तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पे आया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया, यहां से जो है हेलरी के जो प्रभाव को आप देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है, किसकी बात हो रही है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की। और याद रखिएगा ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। पूछा गया है कहाँ पर यह स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये आपको देखने को मिलेगा, आंसर ए आपका हो जाएगा, और यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, आर प्रागन नंदा ने जीता है, याद रखिएगा इनकी बहन है आर वैशाली, उनको हाल में ही जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा इनकी बहन अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। अब बात करें, अगर मैं इनकी बात करूं तो आर प्रगानंद जो है नंदा, एक्चुअली नाम पढ़ने में अगर थोड़ी सी गलती हो रही तो माफी चाहता हूं, इनको जो है ये एक्चुअली पूछा ये भी जा सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है कि ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अब अगला सवाल देखिए क्या है, चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से। तो देखिए भारत में जो है अमरनाथ यात्रा आपने सुना होगा, अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी के जो है दर्शन यानी भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, तो ये जो छड़ी है ना इसमें अलौकिक शक्तियां हैं ऐसा कहा जाता है, कि ये विश्व की जो शिव भगवान की जो है इसमें शक्तियां हैं। छड़ी की फोटो आप देख लो ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, और जो बाबा बर्फानी में ये छड़ी पूजा की जाती है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से आप जो है फोटो वगैरह भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया है।
तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। लेकिन अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो रिसेंट में जो है राजकुमार राव, आपने नाम सुना होगा इस एक्टर का, राजकुमार राव को जो है अभी के लिए चुन लिया गया है एज अ आइकन, नेशनल आइकन, वोट परसेंटाइल को जो है बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। थाईलैंड का एक्चुअली कुछ और चीजें मैं जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है, यहाँ पे याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी को की गई है और 25 जनवरी 1950 को, कब 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, तो दोनों चीजों को आप याद रख लोगे। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए श्रेथा थाविशन को जो है यहाँ पे नया प्रधानमंत्री चुना गया। और याद रखिए थाईलैंड के मात्र थर्ड पीएम है, इससे पहले दो पीएम हो चुके हैं और जो सेकेंड लास्ट थे उनको करप्शन के वजह से हटा दिया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर रहने वाला शहर का नाम क्या है, तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इंदौर। इसके बारे में जो है शायद मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में जो है डिटेल्स में डिस्कस करा है, और इंदौर, इंदौर नहीं इंदौर की फोटो आप देख सकते हो। अगला सवाल है 11वें एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं, यहाँ पे 9 पदक जीते हैं। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी ये जूनियर विश्व चैंपियनशिप की, तो 2001 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा डाउट था, क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। देखिए एनजीटी में जो है कुछ अगर कोई केस वगैरह आता है तो उसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जो है इसका गठन किया गया है। अब यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता दूं, आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2010 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। लेकिन सवाल ये दोनों नहीं पूछा गया, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी शुरुआत कब हुई, नया अध्यक्ष किसे चुना गया, ये सवाल है। तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल, हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद सी आर राव का निधन हो गया है, उन्हें सांख्यिकी का इंटरनेशनल अवार्ड जो है मिला हुआ है, वो कौन से साल में इसको इनको जो है सम्मानित किया गया था, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2023 में जो है इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2023 हॉकी का खिताब किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है, किसे हराकर, मलेशिया को हराकर, कहां पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, चेन्नई में ये हुआ है, याद रख लेना इस बात को, चेन्नई में हुआ है। और भारतीय हॉकी टीम के जो पुरुष टीम के कैप्टन हैं उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह एक्चुअली नाम है, कौर में बोल रहा हूं, एक्चुअली ये नाम आपको लड़कियों वाला लगेगा इसलिए जो है देखो फिर से कौर में लिख रहा हूं, इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहां से आप भारतीय टीम को देख सकते हो। अगला सवाल है, 77वां जो स्वतंत्रता संग्राम का थीम क्या था ये आपको बताने, तो देखिए नेशनल फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि देश हमेशा आगे रहेगा। और जो 77वां जो हम लोगों ने दिवस मनाया इसमें क्या किया गया था, तो इसमें देखिए हम लोगों के द्वारा जो है हर घर तिरंगा, एक्चुअली सरकार की योजना थी, इसमें जो है हर घर तिरंगा योजना लाई गई थी, यानी कि हर घर में जो है झंडा फहराया जाएगा। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है, आदित्य एल्बन, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, बीपीएससी के जो टीचर वाले एग्जाम थे उसमें इस सवाल को देखने को मिलेगा। और इसे कहां स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा एल्बन में इसे स्थापित किया गया है, वहीं से इसका नाम आदित्य एल्बन भी पड़ा है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। और देखिए यहां ये जो है ये आपको एल्बन में यहां पे अर्थ है, ये यहां पे इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रो पंजा लीग का पहला सीजन किसने जीता है, कोची केडी ने जीता है, हराया किसे है, किरक हैदराबाद को हराया है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसे याद कर ले, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। आईसीसी के द्वारा देखिए ये क्वेश्चन इनवैलिड है, क्योंकि जब एग्जाम आपका हो रहा होगा एक दो महीने पहले के जो आईसीसी मंथली वाला अवार्ड होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हाल में ही कांडल कुड्डा अल्लाहा का निधन हो गया, वो किस वर्ष से इनको जो है पद्मश्री का सम्मान इनको दिया गया था, तो देखिए 2021 में जो है इनको पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब इनके बारे में जान लीजिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी क्यों है, देखिए इनके इनको जो है तेलुगु और संस्कृत भाषा के ऊपर में बहुत अच्छी पकड़ थी, याद रखिएगा तेलुगु और संस्कृत के ये जो है विद्वान थे, तो इसलिए जो है एक्चुअली इन्होंने जो है 15 पुस्तक भी लिखा, इन्होंने लिख रखा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, तो देखिए ये जो है
दोराई जी स्वामी, आर दोराई स्वामी को जो है यहाँ पे एलआईसी का जो है प्रबंध निदेशक चुना गया है। और याद रखिएगा ये अगस्त 2026 तक जो है इस पद पे काबिज रहेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आपसे पूछ दिया जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो मोहंती साहब हैं, मैं इनका पूरा नाम अभी भूल रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी एलआईसी की, तो देखिए 7 सितंबर को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, 7 सितंबर 1956 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ से आप जो है इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2023 किसके द्वारा जीता गया था? तो देखिए ये पुरस्कार जो है, आई मीन ये जो टूर्नामेंट है, ये जीता गया था किसके द्वारा? मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। हारा कौन था यहाँ पे? इंटर मिलान यहाँ पे जो है सेकंड रनर अप टीम रही थी, याद रखिएगा इसे। और 2022 किसने जीता था? तो रियल मैड्रिड ने 2022 में इसे जीत लिया था। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। यहां से आप विनर्स की लिस्ट भी देख सकते हो, आई मीन फोटो भी देख सकते हो। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई? तो देखिए प्रबल के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए, ये भारत के द्वारा सबसे फाइन जो है रिवॉल्वर है। इसके द्वारा जो शूट किया जाता है सबसे दूरी तक ये तय करता है, और ये कानपुर में आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, कानपुर में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल में ही चर्चा में आया माया क्या है? माया के बारे में अगर आप जानोगे तो ये ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। इंडिया में जो है हम लोग देखो, एक्चुअली आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड फोन में जो है आप एंड्रॉयड का यूज करते हो, या फिर बहुत सारे लोग जो है आईओएस का यूज करते हैं। आईओएस का कौन यूज करते हैं? जो एप्पल एप्पल वाली, ठीक है, और जो हम लोग जो है एंड्रॉयड यूज करते हैं। लेकिन ओएस जो है हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का जो है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं। लेकिन भारत अपना बना रहा है जिसका नाम क्या है? माया है। ये सभी लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है, ये सुरक्षा के कारणों से लिया गया डिसीजन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही कोलकाता में विंध्यगिरी युद्ध पोत को लॉन्च किया है, इसे जो है किस प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 17A प्रोजेक्ट के नाम से इसे रखा गया है। याद रखिएगा टोटल इसमें 7 जो है आपको युद्ध पोत जो है देखने को मिलेंगे। कितने? 7। अभी तक कितने बन गए हैं? 6, एक और बाकी है। और अलग अलग पहाड़ियों के नाम पे इसे रखा गया है। विंध्यगिरी पर्वत आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे। खेल महारन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आसाम से संबंधित है। आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है नीचे कमेंट करके आप लोग बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके वीडियो आपने यहां तक देखा है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि हम लोग खेलों के ऊपर जो है ध्यान देंगे, लोगों को आर्थिक मदद भी देंगे, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उनको जो है यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 954, ये आंकड़ा जो है याद रखना है आपको, 954 पुलिस कर्मियों को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के कर्मियों को कुल कितने वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 76। याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लोग डाउटफुल में रह जाते हैं। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, याद रखिएगा पहले नंबर पे कौन है? परमवीर चक्र। दूसरे नंबर पे कौन है? महावीर चक्र, याद रखिएगा एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं सवाल। तीसरे नंबर पे कौन है? ये मैं आपको जो है स्टैटिक्स जी के पढ़ा रहा हूँ, कृति जी की, सॉरी कृति चक्र जो है तीसरे नंबर पे रहेगा। चौथे नंबर पे कौन रहेगा? चौथे नंबर पे आपको वीर चक्र देखने को मिलेगा। पांचवें नंबर पे कौन देखने को मिलेगा? तो पांचवें जो नंबर पे है वो सौर्य चक्र, ठीक है, सौर्य चक्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आप फोटो भी देख सकते हो, ये जो समारोह हो रहा था, इवेंट हो रहा था, उसकी फोटो आपको दिखेगी। हाल में ही आर्थर सी क्लार्क की जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो देखिए आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार जो है साइंस फिक्शन के लिए दिया जाता है, यानी कि जो कहानियों में साइंस के बारे में बताया जाता है, टाइम ट्रेवल या फिर और भी अलग पचासियों तरह के बातें हैं। तो देखिए जो साइंस फिक्शन है जो किताब उसके ऊपर लिखी जाती है, जो कि किसने लिखा है? नेड ब्यूमैन ने जो है लिखा है इसको। यहां से आप फोटो, एक्चुअली मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। हाल में ही चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स, ये क्या है? देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये हाइड्रोपोनिक्स जो है, या हाइड्रो से आपको समझ में आ रहा होगा, ये फसल की एक तकनीक है। इसमें क्या किया जाएगा? फोटो देखो, चीजों को आराम से समझ पाओगे। इसमें जो है पानी में ही, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, पानी में ही जो है प्लांट को ग्रो करने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? टाउन में जो है जमक
आई मीन जगह की कमी है, इसलिए जो है वाटर में ही जो है प्लांट को ग्रो करने की बात की जा रही है। तो ये फसल की एक तकनीक है, बिना मिट्टी के जो है आप प्लांट को ग्रो करा सकते हो, रूफ जो रूफ है, रूफ यानी कि छत, वहां पे आप जो है इसका उत्पादन कर सकते हो। तो ये फसल की तकनीक है, क्रॉप टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की जो है घोषणा की है। तो 15 अगस्त से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान की योजना की जो है शुरुआत करी है, यानी कि जो कामगार है, छोटे कामगार लोगों को स्किलफुल बनाने के बारे में बात किया जाएगा। विश्वकर्मा भगवान भी जो है आर्टिकल्चर से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छोटे कामगार को विश्वकर्मा योजना के द्वारा जो है लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है, और इसकी शुरुआत 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा जो दिवस है उस दिन से किया जाएगा, विश्वकर्मा पूजा जो मनाए जाते हैं। इसमें जो है छोटे छोटे जो उद्योग हैं, MSME को जो है आगे लाने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखो क्या है, किस समुदाय के द्वारा नवरोज नववर्ष मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पारसी कम्युनिटी जो कि ईरान से इंडिया में जो है माइग्रेट करके आई है। तो ये लोग जो है नवरोज नववर्ष को मनाते हैं, ये प्यार समृद्धि का प्रतीक है। इस पर्व में जो है लोग जो है समृद्धि, प्यार और शांति की जो है कामना करते हैं। और किसके नाम से ये तर्व जो इन किसके याद में जो है ये मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राजा जमशेद की याद में जो है इस पर्व को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से आप जो है कुछ फोटो देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, मेटाजिनोम जो सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा। तो देखिए जर्म सर्वे में किया जाएगा, इससे इस रोग से कैसे हम लोग लड़ पाएं इसके बारे में बात की जाएगी, इससे कैसे हम लोग आउटपुट यानी कि इससे बचने के लिए वैक्सीन का निर्माण कैसे करें इसके बारे में जो है बात की जाएगी। जर्म सर्वे यानी कि रोगाणु सर्वेक्षण इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो क्या है, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यहां से आप फोटो देख पाओगे और इसका आंसर है मायरा ग्रोवर को जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है वो भी एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, द इवॉल्विंग माइंडसेट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, प्लीज पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है। तो देखिए संजय कुमार अग्रवाल ऑप्शन नंबर बी, इनको जो है नया CBIC का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो न्यू दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत की गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लूना 25 का जो है संबंध किस देश से है, बड़ा ही आसान से सवाल है। ये मिशन फेल हो गया था, एक्चुअली ये मिशन क्या हुआ था, फेल हो गया था और ये रशिया से संबंधित है। एक्चुअली क्या था ना, ये लूना 25 जो है साउथ पोल पे ही जा रहा था, जहां हम लोगों का जो है चंद्रयान यानी कि C3 जाने वाला था, ये पहले पहुंच जाने वाला था, लेकिन ये फेल हो चुका अनफॉर्चुनेटली और हम लोग नंबर 1 बन गए। अगला सवाल देखिए क्या है, हाल में ही राजस्थान में जो है 3 संभाग और 17 जिलों का गठन किया गया है। तो अब आपको बताना जिलों की संख्या और संभाग कितने हो गए, पहले कितने थे 7, अब हो गए हैं 10। पहले कितने जिला थे उसको छोड़ दो, अभी जो है 50 जिले बन चुके हैं। वैसे भी आप 50 में 17 घटाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम रखा गया है निराक्षी। इसका नाम क्या रखा गया है, निराक्षी। एक्चुअली ये है क्या वो आप समझ लो, मेरा थोड़ा गला फंस गया था। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निराक्षी इज द राइट आंसर। अब पूछा गया है अंडर वाटर व्हीकल का नाम आपसे पूछ लिया गया है, अच्छी बात है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा रोबोटिक जो है ये क्या है, सबमरीन है, पनडुब्बी है। इससे हम लोग जो है यहाँ पे जो है समुद्र वाटर में जो सी वाटर है वहां पे सुरक्षा का क्या ध्यान है और जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा। तो देखिए यूनिटी मॉल जो है हर राज्य में एक एक यूनिटी मॉल सरकार बनाने वाली है, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी और उज्जैन के शहर से। कहां से शुरुआत होगी, उज्जैन के शहर से। अब ये मॉल क्या आम मॉल होगा, नहीं, इस मॉल में जो हैंडीक्राफ्ट है लोगों के द्वारा जो है बनाए गए प्रोडक्ट को यहाँ पे विस्तार दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और यहाँ से मॉल की फोटो आप देख पाओगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, और ये आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत की गई है और
हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। और याद रखना है आपको ये क्यों किया गया है 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन 7 अगस्त से ही जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहां से आप पिक्चर भी देख पाओगे। अगला सवाल है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 26। हम लोगों ने 26 पदक जीता और कौन से नंबर पे रहे थे? 7वें नंबर पे। किसमें? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। नंबर वन पे कौन रहा था? नंबर वन पे रहा था चाइना। नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो जापान, यानी कि हिंदी में जापान बोलते हैं, इंग्लिश में जापान बोलते हैं। थर्ड नंबर पे कौन रहा था? तो थर्ड नंबर पे साउथ कोरिया आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई है। अगला सवाल, मणिपुर हिंसा आपको पता ही होगा, मणिपुर में बहुत हिंसा जो है वहां पे हुआ था, उसके लिए जो एक कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी को लीड कौन करने वाली है? तो देखिए मैंने आपको आधा आंसर बता दिया है, उनका नाम है गीता मित्तल। और गीता मित्तल जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट से आती है, उनको यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। नेहरू ट्रॉफी, 99% बच्चे इसको गलत करेंगे, मुझे पता है। नेहरू ट्रॉफी आपने देखा और फुटबॉल आपने लगाने के लिए आगे बढ़े होंगे। गलत है आपका आंसर, ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताना। देखिए नेहरू कप आपसे पूछा जाता तो आपका आंसर फुटबॉल होता, लेकिन ट्रॉफी पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बोट रेस से। और ये बोट रेस कहाँ होता है? केरला में होता है। 100 फीट की जो है यहाँ पे बोट की जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है वो 100 फीट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाता है, यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो। और ये जो बोट की शेप होती है वो सांप के जैसे शेप होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला डेटा यानी जो कृषि एक्सचेंज डेटा है वो फ्रेमवर्क जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ये आपको कहाँ मिलेगा? तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अगला सवाल देखिए क्या है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सीधा सीधा आंसर है, जहां भी आपको दिखे स्टार्टअप आपको बेंगलुरु पहुंच जाना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी सीधा सीधा आंसर है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को कौन सी एक घटना और हुई थी नीचे कमेंट करके आप लोग को बताना है। याद रखिएगा यह आदिवासी समुदाय यानी कि ट्राइब के हक के बारे में जो है बात करती है, जागरूक करने की बात यह करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा रोबोट बेंडिक्यूट का संबंध किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो है ना सीबर यानी कि जो नालियों में जो या फिर जो मैला जम जाता है उसको ठीक से उठाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये मशीन की फोटो आप यहां से देख सकते हो। रामदास अठावले ने इसका जानकारी जो है ये पार्लियामेंट में दिया था। हाल में ही WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त किया गया? देखिए सबसे पहले आपको ट्रेकोमा के बारे में जान लेना है। देखिए ये आंख से संबंधित बीमारी है और ये हाल में ही जो है इराक को इससे जो है फ्री घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे एक भी केस इसके देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आप यहां से देख पाओगे। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यानी कि व्यापारिक निर्यात यानी कि हम लोग जो है अलग देशों को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो हम लोग जो है यहाँ पे 18वें नंबर पे लाए करेंगे। कितने नंबर पे? 18th नंबर पे हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। आई होप कि हम लोग जल्दी ही बहुत आगे पहुंचे, चाइना से ठीक आसपास पहुंचने की हम लोगों की कोशिश रहेगी। हाल में ही चर्चा में रहा अरास डॉर्स गैस फील्ड विवाद किससे संबंधित है? पैसे का चक्कर है ये, और ये पैसे का चक्कर आपको मिलेगा कहाँ पर? सऊदी अरबिया, कुवैत और ईरान के बीच में। ये पाकिस्तान पैसे से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। एक्चुअली सभी लोग जो है ना वो तेल का चक्कर है और तेल के ऊपर जो है तीनों चारों कंट्री अपना हक जमाने की कोशिश कर रही है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा था, ये आपसे पूछ लिया गया है। इसका देखिए आंसर श्रीनगर होगा। श्रीनगर, ये देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। एक्चुअली जो जल जीवन सर्वे है ना, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त के अपने जो लाल किले से भाषण दिया था उसमें कहा था लोगों को कि जल जो है 2024 तक हम लोग 25 तक जो है सभी लोगों के घर में जल पहुंचाने के लिए जो है कटिबद्ध है। देवधर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो देखिए साउथ जोन ने जीता है और साउथ जोन के जो कैप्टन थे उनका नाम है मयंक अग्रवाल। नंबर टू पे कौन रहे थे? तो ईस्ट जोन जो है नंबर टू पे रहा था, ये फाइनल में हारा है। और इसके कप्तान कौन थे? सौरभ तिवारी, आपने इनका नाम सुना होगा, झारखंड से ये आते हैं। क्लियर हो गई बातें, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और यहां से आप जो है मयंक अग्रवाल कहाँ है, मैं ये रहा मयंक अग्रवाल की फोटो आप देख पाओगे। हाल ही में
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया। देखिए ये जो लोकमान्य गंगाधर तिलक है उन्हीं के बारे में है ये, और ये पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है, जो कि देश के को तरक्की के मार्ग पर ले जाए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की अगर मैं बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार मिल चुका है। हाल में ही नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर हो गई बातें। 1 अगस्त को ये दिया जाता है। हाल में ही किस राज्य के मनकुराड़ आम को GI का टैग दिया गया, ये देखिए आम आपको कहां मिलेगा, गोवा में आपको मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, याद रख लेना है, फोटो भी देख लो। किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, याद रखना है आपको। और टेस्ट क्रिकेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसी देश के एक स्टुअर्ट ब्रॉड है जिनको 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं, और यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। टाटा स्टील के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये जो TV नरेंद्रन है इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है टाटा स्टील। और टाटा स्टील का पुराना नाम जो है वो क्या हुआ करता था, टिस्को हुआ करता था, ये भी आपको याद रख लेना है। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज के देशों में जो है संयुक्त रूप से मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो देखिए ये इंग्लैंड में किया गया था। एक्चुअली ये 2-2 से बराबरी पे रहा था, एक्चुअली ये जो है 2-2 से बराबरी पे रहा था, यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य में मचेल माता का वार्षिक तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। मचेल माता जो है आपको पता होगा कि वैष्णो देवी मंदिर है, उसके बाद जो है ये सबसे बड़ा सेकेंड नंबर पे जो है पहाड़ी यात्रा है, लोग यहाँ पे पहाड़ में यात्रा करते हैं, याद रखना है आपको इस बात को। ये कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात है। और 50,000 तीर्थयात्री यहाँ पे रोज जाते हैं। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर किस राज्य में खोला गया है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से आप फोटो देख पाओगे, ये डिलीवरी वाला बॉय है और ये अमेजन के पार्सल को पहुंचा रहा है। तो ये फ्लोटिंग, ये एक्चुअली क्या है ना, टैक्टिक्स अपनाती है कंपनियां इनका प्रचार हो सके। तो ये मैंने कंप्लीट अगस्त का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए करा दिया है। आगे और भी करंट अफेयर्स है, चैनल पे जाकर उसे जरूर चेकआउट कर ले। और एक मैराथन वाली वीडियो होगी जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स को एक साथ किया गया है। वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी एजुकेशनल ग्रुप में जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे इस वीडियो को पहुंचा सकते हो। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।